एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी रेसिपी है टूटी फ्रूटी केक। बिल्कुल बढ़िया सा घर पे बहुत ही यमी सा, सॉफ्ट सा, स्पॉन्जी सा हम टूटी फ्रूटी केक बनाएंगे। और घर पे बनाना इसको बहुत आसान है। आप इसको टी टाइम स्टैक में बना सकते हैं। कभी भी बनाइए, कभी भी खाइए, आपको ये बहुत पसंद आने वाला है। तो इसकी सिंपल सी रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और बहुत ही मिनिमल इंग्रेडिएंट्स में हम इसको बनाएंगे। जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना था। मेरे घर में सबको बहुत पसंद आया है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। आप ये रेसिपी को फॉलो करके अपने घर पे ये बहुत ही यमी यमी सा ब्रिटानिया वाला केक बना सकते हैं। सबको बहुत पसंद आने वाला है, स्पेशली बच्चों को तो मेरी गारंटी है बहुत अच्छा लगेगा। और वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको टेम्परेचर, बेकिंग का और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी अच्छे से समझ में आ जाए। और जब भी आप ये घर पे बनाएं तो उसकी सुंदर सी पिक खींच के ज़रूर मुझे भेजिएगा। तो जी, स्वागत है आपका प्रिश किचन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रेसिपी। तो जी, टूटी फ्रूटी केक बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है टूटी फ्रूटी। तो चलिए फिर उसकी प्रिपरेशन करते हैं। मैंने यहाँ पे एक छोटी सी कटोरी ली है और यहाँ पे मैं ले रही हूँ हाफ कप के करीब टूटी फ्रूटी। मार्केट से लिए जी, बहुत इजीली मिल जाती है। तो हम पहले इसको पहले प्रिपेयर करते हैं केक के लिए, ताकि जो टूटी फ्रूटी हमारे केक के बॉटम पे ना बैठ जाए। तो यहाँ मैंने लिए हाफ कप टूटी फ्रूटी और 1/4 कप के करीब मैंने ली है किशमिश। आप चाहें तो इसमें आप चेरीज भी डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 बड़े चम्मच के करीब मैदा और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इसको मिक्स करने का क्या फ़ायदा होता है? अगर हम टूटी फ्रूटी को इस तरीके से मिक्स करके रख देते हैं तो जब हम बैटर बनाते हैं और उसमें जब भी टूटी फ्रूटी हम उसमें मिलाएंगे तो वो बैटर के बॉटम में नहीं बैठेगी। केक को बेक करते वक्त वो इवनली स्प्रेड हो जाती है। तो इस तरीके से हमने प्रिपेयर करके रख दिया है। अब हम बैटर तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने एक लार्ज मिक्सिंग बाउल लिया है, एक बड़ा सा कटोरा ले लिया है और इसमें हम मैं डाल रही हूँ हमारा पहला इंग्रेडिएंट जो कि है बटर। यहाँ मैंने हाफ कप के करीब और ग्राम से मेजर करेंगे तो 113 ग्राम यानी कि 113 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पे बटर ले लिया है। ये अनसॉल्टेड बटर है, रूम टेम्परेचर का लिया है, यानी कि मैंने इसको फ्रिज में से निकाल दिया था ताकि ये ना ज़्यादा पिघला हुआ हो ना ज़्यादा हार्ड हो। तो इस तरीके से मैं स्पैचुला की मदद से बटर को पहले थोड़ा सा स्प्रेड करके देख लेती हूँ कि कहीं ठंडा तो नहीं है। तो बस इस तरीके से मैंने इसको चेक कर लिया है, बटर का टेम्परेचर बिल्कुल एक्यूरेट है। अब हम डालेंगे हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो कि है हमारा शुगर। यहाँ मैंने पाउडर्ड शुगर ली है हाफ कप के करीब। तो बस इसमें मैंने शुगर डाल दी है। आप क्रिस्टल वाली शुगर लें तो उसको पहले मिक्सिंग जार में अच्छे से पीस लीजिए या फिर आप भूरा भी ले सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसको ब्लेंडर से चलाऊँगी। एक टिप यहाँ पर ये चीज़ है कि अगर आप इसको मिक्स करें बिना ही ब्लेंडर चला देंगे तो चीनी आपकी पूरी किचन में फैल जाएगी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। किचन बहुत गंदी हो जाती है, फिर उसको समेटना पड़ेगा। तो इसलिए पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद हम बीटर या हैंड बीटर या मिक्सर की मदद से इसको 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। इससे क्या होगा, फ्रोथ आएगी यानी कि इसमें एयर जनरेट होएगी। जितनी ज़्यादा एयर जनरेट होती है उतना अच्छा हमारा केक बनेगा, उतना स्पॉन्जी और सॉफ्ट हमारा केक बनेगा। तो देखिए कितना फ्लफ़ी सा होता जा रहा है। तो जितना जितना हम इसको करते जाएंगे उतना ही ये फ्लफ़ी होगा। तो मैंने 3 से 4 मिनट के लिए इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। अगर आपके पास ये वाला मिक्सर नहीं है, हैंड मिक्सर नहीं है, तो आप चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं। तो एक इंग्रेडिएंट हमारा सेट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा नेक्स्ट मेन इंग्रेडिएंट जो कि है अंडा। यहाँ मैंने 2 अंडे लिए हैं, आप चाहें तो वाइट एग्स भी ले सकते हैं। मैंने ब्राउन एग लिया है। यहाँ पे मैं पहले 1 अंडा डालूंगी और उसको फिर हैंड मिक्सर यानी कि जो मेरा बीटर है उसकी मदद से इसको अच्छे से बीट कर लूंगी। ध्यान रखिएगा 2 अंडे हम यूज़ कर रहे हैं, दोनों अंडों की ड्यूरेशन में आप कम से कम 3 से 4 मिनट का गैप लीजिएगा। 1 अंडा जब अच्छे से बैटर में मिक्स हो जाए तभी आप दूसरा अंडा डालिएगा, वरना बैटर जो है वो क्रडल होगा। अगर आपका बैटर क्रडल भी हो जाता है तो भी घबराने की कोई बात नहीं है, वो अच्छा ही केक बनेगा आपका। तो बस ये थोड़ी सी प्रिकॉशंस हम लेके चलेंगे तो हमारा केक और अच्छा बनेगा। तो बस मैंने यहाँ पे दूसरा अंडा डाल दिया है और इसको मैं अच्छे से
मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के अलावा इस पे और कोई कुछ काम नहीं करना, जितना आप इसको मिक्स करेंगे उतनी अच्छी एयर इस पे जनरेट होगी, जितनी अच्छी एयर जनरेट होगी उतना स्पॉन्ज हमारा केक बनेगा। तो बस ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। तो आप ये देखिए बहुत ही यमी यमी सा ये केक बनने वाला है। तो चलिए ये वाला काम हमारा हो गया है, अब हम डालते हैं हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो कि है सारे ड्राई इंग्रेडिएंट। उसके लिए मैंने एक छन्नी ले ली है और सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा। ये मैंने लिया है हाफ कप के करीब। तो बस इसको हम छान लेते हैं और यहाँ आप चाहें तो आटे का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको आटे वाला बनाना है। मैं यहाँ पे मैदे का यूज़ कर रही हूँ। एक बड़े चम्मच के करीब मैं यहाँ पे मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके घर में मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। और आधा छोटी चम्मच के करीब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर और चुटकी भर यानी कि 1/8 छोटी चम्मच मैंने डाला है बेकिंग सोडा। और इसको हम अच्छे से छान लेंगे। छानने से क्या होगा, अगर कोई गांठ या गुठली इसमें होती है, मोटे मोटे से कण होते हैं, वो अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। तो बस ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें हमने डाल लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इसको मिक्स करना है। तो जेंटली हम इसको कट एंड फोल्ड मेथड के फॉर्म में तरीके से इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमारा ये स्मूथ सा बैटर रेडी हो जाएगा। तो चलिए फिर इसको जल्दी से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद जो हमारे बचे हुए इंग्रेडिएंट्स हैं हम वो इसमें डालेंगे। तो ये मिक्स करने से ही आप देखेंगे जैसे जैसे आप इसको मिक्स करेंगे ये थोड़ा फ्लफ़ी सा और फ्लफ़ी होता चला जाएगा क्योंकि इसमें एयर जनरेट हो रही है। लास्ट इंग्रेडिएंट है हमारा वेनीला एक्सट्रैक्ट, वेनीला एसेंस भी कह सकते हैं आप इसको। ये मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटी चम्मच के करीब। तो बस ये इसमें अच्छे से डाल के हमें क्या करना है, मिक्स करना है। तो बस कट एंड फोल्ड मेथड से इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और एक स्मूथ सा बैटर आप प्रिपेयर कर लीजिए। तो बहुत ईजिली और बहुत ही सिंपल तरीके से ये बन जाता है। अब देखिए जो बैटर है वो भी फ्लफ़ी होता जा रहा है क्योंकि हमने बहुत अच्छे से एयर जनरेट करी है इसके अंदर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टूटी फ्रूटी। तो बस जो हमने बना के रखी थी मैदे अच्छे से कोट करके रखी थी वो टूटी फ्रूटी मैं इसमें डाल रही हूँ। और सिंपल से टूटी फ्रूटी डालने के बाद मैं इसको जेंटली मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि जो टूटी फ्रूटी है वो इवनली स्प्रेड होगी, इवनली आपके केक के बैटर में रहेगी। और जब आप इसको बेक भी करेंगे तो भी आपके केक में इवनली स्प्रेड होगी। तो बस ये बैटर हमारा बन गया है। मुझे थोड़ा थिक लग रहा है इसलिए मैं इसमें मिला रही हूँ एक छोटी चम्मच के करीब मैं इसमें दूध मिला रही हूँ। अगर आपको बैटर ऐसा चाहिए तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, पर थोड़ा सा थिन बैटर होता है, थोड़ा पतला बैटर होता है तो वो अच्छा अच्छे से मोल्ड में सेट हो जाता है। तो बस मैंने यहाँ पे एक छोटी चम्मच के करीब मैंने दूध मिलाया है और बस ये हमारा जो बैटर है वो रेडी हो चुका है। तो चलिए फिर केक टिन को तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने एक लोफ पैन लिया है और मैं इसमें अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ बटर। आप चाहे तो ऑयल भी लगा सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू, बट अच्छे से लगाइएगा ताकि जो केक है वो बेक होने के बाद ईजिली निकल जाए। और अब मैं इसको पार्चमेंट पेपर लगा रही हूँ इसमें, जो मैंने इसी के बॉटम के शेप का कट कर लिया था। तो ये पार्चमेंट पेपर मैंने इसमें लगा लिया है। और अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, जो हमारा केक का बैटर हमने प्रिपेयर करके रखा है वो हम इसमें पोर करेंगे। तो चलिए फिर जल्दी से केक के बैटर को इसमें पोर कर लेते हैं। मीनवाइल मैंने अपना जो ओवन है उसको मैंने प्रीहीट करने के लिए रख दिया था। तो जब तक आप इसमें केक का बैटर पोर कर रहे हैं तब तक ओवन हमारा मीनवाइल में अपना जो है वो प्रीहीट हो रहा है। तो बस मैं इसको अच्छे से लेवल कर लूँगी। लेवल करने के बाद हमारा नेक्स्ट काम है कि हम इसको सजाएंगे थोड़े टूटी फ्रूटी से ताकि थोड़े केक के ऊपर भी नज़र आए। तो बस मैंने इसमें थोड़े से टूटी फ्रूटी डाल दिए हैं और स्पैचुला की मदद से मैं इसको जेंटली प्रेस कर रही हूँ, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। और अब हमें निकालने हैं एयर बबल्स। एयर बबल्स कैसे निकलेंगे, हम इसको करेंगे टैप। तो जो केक ऊपर से कभी कभी फट जाता है वो एयर बबल्स के कारण फटता है। तो अगर आप इसको अच्छे से टैप करेंगे, ऐसे दबा दबा के टैप करेंगे, तो वो एयर बबल्स उसमें जनरेट नहीं होंगे और एयर बबल जनरेट नहीं होने के कारण आपका केक ऊपर से नहीं फटेगा। तो बस ये हमारा हो चुका है। तो चलिए फिर हम इसको बेक कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है मैंने ओवन को प्रीहीट कर दिया था, तो 300 डिग्री पे मैं इसको 20 से 25 मिनट तक बेक करूंगी। अगेन आपके ओवन के ऊपर डिपेंड करता है आपका ओवन का टेम्परेचर कैसा है। तो बस ये हमारा यमी यमी सा केक बन के रेडी हो गया है। तो चेक कर लेते हैं अंदर से कच्चा तो नहीं है, तो मैं टूथपिक इसमें डाल के चेक कर रही हूँ।
तो देखिए जो हमारी टूथपिक है वो बिल्कुल क्लीन निकल के आ रही है, कोई भी बैटर इस पे चिपका नहीं है, यानी कि जो हमारा केक है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बॉटम तक कुक हुआ है। तो इसको केक को हमें ठंडा होने के लिए रख देना है रूम टेम्परेचर पे, यानी कि बाहर ही आप इसको छोड़ दीजिए एक घंटे के लिए, तो वो नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। कभी कभी दो घंटे भी लगते हैं तो आप छोड़ दीजिए इसको। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा केक है वो ठंडा हो चुका है। अब मैं इसकी साइड्स को अच्छे से स्क्रैच कर लेती हूँ ताकि केक इजीली हमारा निकल जाए। तो बस मैंने यहाँ पर एक बटर नाइफ लिया है और उससे मैं इसकी जो कॉर्नर्स हैं उसको अच्छे से स्क्रैच कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने रेक्टेंगुलर ट्रे ली है क्योंकि मुझे डीमोल्ड करना है केक को, तो बस मैंने इस तरीके से इसको डीमोल्ड किया है और थोड़ा सा टैप करेंगे और ये केक इजीली निकल जाएगा क्योंकि हमने रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा किया था। और आप देखिए बिल्कुल इजीली निकल गया, बट बटर पेपर इसी पे ही रह गया क्योंकि हमने अच्छे से ग्रीस करा था, इसलिए बटर पेपर अंदर रह गया, वो निकल जाएगा इजीली। और ये हमारा स्पॉन्जी टूटी फ्रूटी केक रेडी हो चुका है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। आप चाहें तो केक कोई सी भी शेप का केक टिन यूज़ कर सकते हैं, तो टी टाइम के हिसाब से बना रहे हैं, ब्रिटानिया जैसा बनाना है तो आप रेक्टेंगुलर केक टिन लीजिए। देखिए कितनी अच्छे से इसकी स्लाइस कट रही है, बिल्कुल मार्केट जैसा लगता है। बनाना भी बहुत ईजी है, आप आराम से इसको बना सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी होगी इसको बनाने के लिए। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी है, कभी भी कोई आपको कुछ पूछना है, तो आप कॉमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, आई एम डेफिनेटली गोना रिप्लाई इट। तो आप इसको देख सकते हैं, बनाइए, देखिए कितना सॉफ्ट सा स्पॉन्जी सा बना है। तो अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है किसी भी रेसिपीज़ के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे पिंग कर सकते हैं, चाहे तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली मैं आपके मैसेजेस का जवाब दूंगी। तो ये हमारा जो सॉफ्ट सा स्पॉन्जी केक हमारा है वो रेडी हो चुका है। तो आप इसको रेसिपी फॉलो करके इसको अपने घर पे ज़रूर बनाइएगा, मुझे लगता है कि आपको बहुत पसंद आएगी, आपकी फैमिली को भी बहुत पसंद आएगी। देखिए कितना यमी सा लग रहा है और जो टूटी फ्रूटी है वो इवनली स्प्रेड हुई है, जो कि इसका मेन पार्ट है। तो बस आप इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। होप करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अपना खूब ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।